कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही है। चलिए आते हैं पढ़ाई के सिलसिले में चलते हैं। आज जैसा कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपकी एक नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग लेकर के आपके साथ आया है। आज से हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी टॉपिक को का जो सब्जेक्ट है, इसको हम लोग आज से कंटिन्यू करेंगे। जानेंगे संविधान के संदर्भ में संविधान क्या है, ये तमाम सारे बिंदुओं को आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ जो सीक्वेंस हम लोगों का चल रहा है और सब्जेक्ट्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, आज पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। आगे कुछ दिनों में आप लोगों को हिंदी भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो सारी क्लासेस आप लोगों को कल मिलेंगी रेगुलर रूटीन पे में। और कल से आप लोगों के जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पर हम लोगों ने एमसीक्यूज के कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश में है। वो वीडियो इस रूप में हम लोग सोच रहे हैं कि वो लाइव हो, जिससे कि आप इंटरेस्ट लेकर के उसके जवाब को आप दे सकें, और वो एक आपका एक तरह से टेस्ट एनालिसिस होगा बेहतर तरीके से। हर सब्जेक्ट्स के, जैसे कुछ टॉपिक्स हर सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं, अब इनके टेस्ट के रूप में आपसे क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको अपने दिमाग को लगाने का भी अवसर मिलेगा और जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको क्वेश्चंस भी जानने का अवसर मिलेगा। तो इसी क्रम में हम लोग पहले कल हिस्ट्री की क्लास की लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर सब कुछ बेहतर रहा तो कल की फिर से आप लोगों को हिस्ट्री की लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें आपको सारे एमसीक्यूज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आपको जो पढ़ाए गए क्वेश्चंस हैं, जो आयोग में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस उसमें होंगे। वो आपको एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर के कंपटीशन की हर लेवल की जो परीक्षा है उसके स्तर से होगा, और हर एक क्वेश्चंस की डिटेल आपको बेहतर तरीके से मिलेगी उसमें। तो ये आप मिस मत करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको अपना जज करने का मौका नहीं मिलेगा। हर बच्चे को लगता है कि हम बेहतर प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो बेहतर तभी हो पाता है जब वो सही समय पर उसकी मेमोरी उस प्रश्न पे, उस बिंदु पर याद, उसकी स्मरण शक्ति वहां पर ले जाए और वो जवाब देने में सक्षमता की स्थिति पे आ पाए। ये आपका एक तरह से कहिए मूल्यांकन होगा, जो आप खुद ही उसको समझ पाएंगे। ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके होंगे, जो कि मोस्टली लाइव ही होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आज पॉलिटी। किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, या उस सब्जेक्ट को आपकी उपयोगिता क्या है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप किसी चीज की उपयोगिता नहीं समझेंगे, तब तक उसके बारे में आप बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। जैसे यूपीएससी या कोई भी एक दिवसीय परीक्षा, उसमें जीएस का जो पार्ट सेगमेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट के रूप में रखा जाता है। और जीएस के पार्ट में अगर आप देखते हैं तो उसमें तमाम सारे सब्जेक्ट आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज, तमाम सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि आपको उसमें पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है। क्या जरूरत इसकी उपयोगिता, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ये कभी और चर्चा करेंगे इस संदर्भ में। आज हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बेस पे। तो आज हम लोग जब पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये संविधान है क्या, संविधान की जरूरत क्या है, क्यों संविधान बनाए जाते हैं, ये बहुत सारे बिंदु इसके साथ आपके शुरू होते हैं। और संविधान अगर बनता है तो फिर उसमें क्या बेसिक चीजें होती हैं, किस एम से, किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर के संविधान बनाया जा रहा है, ये सब तमाम सारे बिंदु होते हैं, ये बहुत ही जरूरी होते हैं आपको जानना। क्योंकि आप जब आप मेंस लिखेंगे तो मेंस में आपको ये आपको महसूस होना चाहिए, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। एक छोटा सवाल है, बेसिक सा सवाल है आपको कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। तो विशेषता कैसे बता पाओगे, आप तो सारे टॉपिक जान रहे हैं। विशेषता बताने के लिए आपको उसको समझना होगा ना, उसको फील करना होगा। बहुत सारे ऐसे वाद हैं, या आप देखते हैं कि प्रत्येक संविधान, जैसे कोई बनाया जाता है, किसी स्कूल में आप पढ़ते हैं,
उसके स्कूल के कुछ रूल्स आप लोगों ने बचपन से यहाँ तक पढ़ के आए हैं, तो आपके स्कूल के कुछ रूल्स रहे हैं, आपकी एकेडमी होगी, कहीं पे कोचिंग होगी, उसके कुछ रूल्स होते हैं, आपके परिवार फैमिली में कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरह से राष्ट्र का भी कुछ नियम कानून और एक आधार होता है, उसके आधार पर कोई राष्ट्र चलता है। तो ये तो आपकी बात रही हमारी कि संविधान है क्या, कैसे क्या है संविधान के संदर्भ में, जो कि आपको पहले से बहुत पूर्व ज्ञान है। आज हम बहुत उसके आगे के क्रम में करते हैं कि संविधान जो है, तो संविधान पढ़ने से पहले उस देश का, जिस देश का हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, वह किन परिस्थितियों में बनाया गया है, वहां का भौगोलिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वहां का उस संविधान को बनाने वाली जो सभा है उसका मोटिव क्या है संविधान को बनाने का, ये बहुत सारे बिंदु हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी होगा। हम पढ़ लेते हैं सीधे अमेरिका के संविधान में इस तरह की चीजें हैं, भारत के संविधान में इस तरह की चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में इस तरह की चीजें हैं, कनाडा के संविधान में इस तरह की चीजें हैं, वगैरह वगैरह सारे कंट्रीज के संविधान को हम पढ़ लेते हैं। लेकिन कहीं का संविधान जब बनता है तो उसके पीछे बनाने को जो संविधान बना होगा तो कुछ एम और कुछ महत्वाकांक्षा कुछ उद्देश्यों को लेकर के संविधान बनाया गया होगा ना, कि संविधान बस ऐसे मन में है और ऐसे बना दिया संविधान, ऐसा तो होता नहीं। तो डेफिनेटली मैं बात उसी मुद्दे पे कर रहा हूँ कि कोई भी कंट्री जो होती है जो संविधान अपना निर्माण करती है तो वो एक सभा और समिति के द्वारा ही संविधान का निर्माण करती है, और अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड और ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड को आधार बना करके ही उसका आधार बनाया जाता है, ये एक आधार होता है। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे तो भारत का भी संविधान जब बना होगा तो कुछ इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहे होंगे, कुछ ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड रहे होंगे इसके, और जो संविधान सभा ने संविधान को बनाना शुरू किया होगा तो उसका कुछ उद्देश्य रहा होगा, कुछ लक्ष्य रहा होगा, उसी को ध्यान में रखकर के संविधान, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपका जानना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टॉपिक जो हम लोगों का आज का है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी राष्ट्र का जो संविधान बनता है तो वहां की जो सभा है जो संविधान का निर्माण करती है उसने किस महत्वाकांक्षा को आधार बना करके संविधान बनाया है, यही उस संविधान का एक तरह से कहिए उद्देशिका या प्रस्तावना होती है। जब तक किसी काम को या किसी कानून को बनाने का कोई लक्ष्य नहीं होगा, बिना लक्ष्य के कोई संविधान बनी नहीं सकता, और अगर जहां पर बना है तो वहां पर कहीं कहीं उद्देश्य और लक्ष्य रहे हैं, भले ही उसको रखा ना गया हो, संविधान में स्थान ना दिया गया हो या इसका जिक्र ना किया गया हो, लेकिन एम लेकर के तो यही हमेशा संविधान बनता है। किसी भी तरह का आप अपने रूटीन में अपने स्टडी के लिए जब कोई कानून बनाते हैं तो आप उस पर रूटीन बनाते हैं कि हमें सुबह इतने से इतने बजे तक, रात में इतने बजे से इतने बजे तक हमको स्टडी करनी है, वो क्या होता है, वो एक आपका कानून होता है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या चलता है, एक उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, कोई एम होता है, एम को ध्यान में रख करके ही तो आप पढ़ाई को अपने स्टार्ट करते हैं, एक रूटीन अपना बनाते हैं आप, तो उसके पीछे का उद्देश्य हुआ ना। तो कोई कंट्री जब कंट्री भी इस तरह से संविधान का जब निर्माण कर रही होती है तो उसके भी कुछ उद्देश्य हुआ करते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति वह अनुच्छेदों के माध्यम से करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का आज हम देख रहे हैं उद्देश्य का, क्या इसका उद्देश्य रहा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ, कैसे हुआ और फिर क्या क्या क्रम में चला। तो देखिए भारतीय संविधान आज जो दिखता है आपको इतने भागों में ब्रांड है, 395 अनुच्छेद आपको दिखते हैं, आज देखते हैं 22 भागों में इसको बांटा गया है, अनुसूचियों की संख्या वर्तमान समय में 12 है। ये जो आपको स्वरूप दिख रहा है तो इस ये जो आया है ये पटल इतने अनुच्छेदों को बनाने की इतने भागों में बांटने की क्या जरूरत पड़ी, जैसे चलिए बात करते हैं थोड़ा भागों के बारे में, ये 22 भागों का जिक्र किया तो 22 भाग क्यों बनाए, क्यों नहीं सीधे से एक भाग नहीं कर दिया, भाग बनाने की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या जरूरत है। तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, नागरिकता पर बात की गई है, फंडामेंटल राइट पे बात की गई है, संग्रह क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, या नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, या
और बिंदुओं पर बात की, न्यायपालिका के संदर्भ में बात की गई है। ये सब आपको वहां पर अनुच्छेदों के माध्यम से भागों में कन्वर्ट करके बताए गए हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो बनाने का उद्देश्य रहा है वो कैसा है, किसी भी कंट्री को, एक चीज और भी जाने यहाँ पे कि किसी भी कंट्री का संविधान पढ़ने से पहले अगर आपने उसको उद्देशिका को पढ़ लिया तो आप उसके निचोड़ को आप समझ जाएंगे, ये कंट्री किस तरह का कानून अपने नागरिकों के प्रति रखती है, कैसी भावना उसकी है। संविधान पढ़ने की आपको पूरी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने किसी संविधान की उद्देशिका को पढ़ लिया, आप समझ जाएंगे कि ऑलमोस्ट इसका क्या कानून यहाँ पे किस रूप में होंगे। उद्देशिका बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर देती है, ठीक है। तो उद्देशिका को समझना सबसे जरूरी, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने, हिस्ट्री पॉलिटी को पढ़ने के लिए, किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस देश की उद्देशिका को जानना। तो आज हम लोग भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग आज भारतीय उद्देशिका के बारे में देख रहे हैं। उद्देशिका मैंने बताया कि क्या कार्य करती है। तो भारतीय संविधान भी, संविधान सभा का जब गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, तो जब पहले कोई बैठक होगी वो किसके लिए बैठक थी, संविधान सभा का जो गठन हुआ संविधान बनाने के लिए गठन किया गया था। तो जब ये बैठक पहली शुरुआती दौर में जब हुई तो सबसे पहली चर्चा संविधान सभा के मेंबर्स के बीच में इसी बात को लेकर के आए कि अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, और अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद में सीधे ये क्रम में आया कि हम लोग जो संविधान का निर्माण करने के लिए ये इतने लोगों की सभा जो बैठी हुई है इसमें किसको कौन सा कार्य दिया जाएगा और कौन कौन किन किन बिंदुओं पर कार्य करेंगे। तो ये बिंदु पे कार्य करेंगे उसके लिए आपको एक कोई लक्ष्य तो होना चाहिए, बिना लक्ष्य के आप कैसे कार्य करेंगे, बिना उद्देश्य के, बिना प्रस्तावना के आप कैसे कोई कार्य करेंगे। तो ये सारे उद्देश्य भी आए। तो जो हमारी पहली बैठक हुई, पहली बैठक के बाद में मुस्लिम लीग के विरोध के कारण से कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हुए कि जिसके कारण से वो सफल नहीं रही पहले दिन की बैठक। दूसरे दिन की जो बैठक होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को जब होती है, तो उसमें आप लोग देखते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं उस दिन अध्यक्ष का चुनाव होता है और राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके क्वेश्चन बेसिक रूप में आपको एग्जाम में बार बार मिलते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन था पहला, या पहला जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ठीक है। अस्थायी को अध्यक्ष को ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में आप उसमें देखेंगे। जब भी कोई संविधान सभा का चुनाव होता है तो संविधान मतलब नई पार्लियामेंट जब भी गठित होती है तो उसमें सबसे पहले अध्यक्ष का ही चुनाव होता है। तो उसमें क्या होता है कि पहला जो व्यक्ति होता है, जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है, क्योंकि सभा सारे लोग इलेक्ट होकर के चुन करके आए होते हैं, तो पहले बार सारे लोगों को में से जो एक श्रेष्ठतम व्यक्ति होता है, मतलब एज में श्रेष्ठतम का सेंस यहाँ पे है कि जो एज में सबसे ज्यादा होता है, मोस्टली उसी को ही बना दिया जाता है व्यक्ति को उस दिन की सदन की कार्यवाही चलाने के लिए। उस दिन की सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष का चुनाव होता है। सेम ऐसे संविधान सभा में भी हमारे हुआ था, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया राजेंद्र प्रसाद जी, 11। उसके बाद में जब पहली बैठक हो जाती है, अध्यक्ष जी का चुनाव हो जाता है, इसके बाद के क्रम में स्टार्ट होता है कि अब उद्देशिका है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के संविधान में आते हैं, संविधान सभा में, और अपने उद्देश्यों को कहते हैं। उसमें लिखित रूप से वो विवरण दिया जाता है जिसमें उद्देशिका में बातें बताई गई थी। आज हम उसी उद्देशिका पर चर्चा करते हैं। उद्देशिका में बातें बताई जाती हैं, फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। इन तिथियों को आप लोग रिवाइज करते हुए दिमाग में रखिएगा, बहुत सारे तथ्य होंगे। पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें भी हो सकता है आप इसको मजे से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन चूंकि मुझे ऐसे लोगों को देना है कि जो तो नए बच्चे हैं और हमारे सीनियर बच्चे हैं सबको देखना है, तो आपको सीखने से चलते रहेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी, कुछ तथ्य भी आपको नहीं छूटेगा। तो संविधान प्रस्तावना उद्देशिका स्वीकार कर ली जाती है 22 जनवरी 1947 को, और उसके बाद से इसमें काम होना शुरू हो जाता है। इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि उसमें उद्देशिका में नेहरू जी की जो उद्देशिका थी, और नेहरू आप जानते हैं किस विचारधारा के व्यक्ति थे, समाजवादी दृष्टिकोण था, तो कौन सा समाजवादी दृष्टिकोण था इस पर हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में हम लोग भारतीय जैसे जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, तो पूंजीवादी व्यवस्था है ना साम्यवादी, बीच का मिश्रण है, इसका क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे चीजें कैसे की गई, तो उद्देश्य प्रस्ताव में भी इसकी झलक आपको दिखाई देगी कुछ चीजें। तो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं और बातों को आते हैं। एक चीज और भी जानिए कि अगर आप कोई भारतीय नागरिक हैं तो आपको ये होना चाहिए कि उद्देशिका आपको समान प्रिंट होनी चाहिए,
आपको याद होना चाहिए कि उद्देशिका कहती क्या है। आपको बार बार पलटने की जरूरत नहीं, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और भारत के नागरिक हैं। मुझे मेरा तो ये मानना है कि भारत के हर नागरिक को संविधान के जानना से पहले उसको उद्देशिका को पता होना चाहिए, क्योंकि जब संविधान का न्यायपालिका भी जब किसी अनुच्छेद का विश्लेषण करती है तो वो उद्देशिका का सहयोग लेती है जब क्रिटिकल स्थितियां फंसती है, वो उद्देशिका से मार्गदर्शन अपने आप को प्राप्त करती है। और यानी कि न्यायाधीशों को भी उद्देशिका से मोटिवेशन मिलता है, राय मतलब एक तरह से कहिए कि उसको अनुच्छेदों को पढ़ने में आसानी होती है, जिन अनुच्छेदों की भाषा अस्पष्ट होती है उसको उद्देशिका ही स्पष्ट करती है। तो उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि उद्देशिका के संदर्भ में है क्या। तो उद्देशिका को उद्देशिका क्यों कहा जाता है, प्रस्तावना का प्रस्तावना के बारे में देखिए, इसको उद्देशिका क्यों कहा जाता है ये भी थोड़ा देखें कि प्रस्तावना, इसे कोई प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव लाने के बाद में प्रस्ताव में ये बातें होती हैं कि क्या क्या आप करेंगे। इस कोई भी बैठक होती है तो उसमें तुरंत प्रस्तावना आती है, प्रस्तावना में ये बात होते हैं बताई जाती है, बातें बताई जाती है कि आज की कार्यकारिणी में या 10 दिवसीय कार्यकारिणी में ये काम इस उद्देश्य को लेकर के कार्य होंगे, जिस क्रम में फिर स्टार्ट होता है। उसी तरह से उद्देश्य जो प्रस्ताव होता है वह लक्ष्यों को निर्धारित करता है। तो हमारे यहाँ भी लक्ष्य निर्धारित किए तो उद्देश्य का मतलब एक तरह से उद्देश्य या संविधान बनाने का लक्ष्य का उद्देश्य क्या है, तो इसको आप लोग जान लीजिए। एक बार आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ बहुत लिखा भी है, आप उसको याद कर लीजिए। समानुच्छेद को सॉरी प्रीएम्बल को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिथिमाशीष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की जो आपकी आत्मा है वो आपकी उद्देशिका है। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ा ये सभी लोगों को अपने जबान पे आपको याद होना चाहिए। इसका अभी याद क्यों होना चाहिए ये आपको अभी पता चलेगा क्यों याद होना चाहिए। आइए हम इन बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में। अभी हम लोगों ने देखा कि संविधान की उद्देशिका क्या है, यानी कि संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों में अगर हम देखें तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक सेंस में। हम भारत के लोग मीन्स सभी लोग, भारत के लोग यानी टोटल जनसंख्या, भारत की जो पॉपुलेशन उनके बारे में कह रहा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिथिमाशीष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सब देखिए इसके सारे महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है, अंगीकृत कब किया गया संविधान को, ठीक है ये बढ़िया रख लीजिएगा, कई बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूँ आपको कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो बेसिक क्वेश्चन इसी से आ जाता है कि आपका संविधान दिवस कौन सा डेट होगा। तो 26 नवंबर मुंबई में आपने 2008 में देखा था, 26 नवंबर को इन्होंने मुंबई पे हमले किए थे ताज होटल पे, तो अतिथि इसी कारण से थी कि भारतीय संविधान को उठाघात करना चाहते थे, ऐसा उनका मोटिव था। ठीक है, तो हमारा जो संविधान बना हुआ है बच्चों उसमें क्या क्या बातें बताएंगे, तो उसके एक इसको अगर हमको समझना है उद्देशिका को तो इसके क्लासिफिकेशन को भी हमको थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा। यानी कि ये मतलब इसका भारतीय संविधान का जो स्रोत है मतलब बनाने वाला कौन है, स्रोत कौन है, तो इस पे आपको ध्यान देना है और इसका स्वरूप क्या है,
इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें इसमें आपको उद्देश्य में मिल रही है। अभी आप देखिए कैसे मिल रही है। एक तो हम लोग पहला शब्द जो शुरू होता है वो क्या, हम भारत के लोग, ये भारत के लोग हैं यानी कि टोटल जनसंख्या है, तो कौन कह रहा है किसी बात को, यानी कि ये सारे जो आपने उद्देशिका पढ़ी तो उद्देशिका को कह कौन रहा है, ये टोटल कौन कर रहा है, सारे कामों को कह कौन रहा है, ये नागरिक कर रहे हैं ना, तो संविधान यानी कह रहे हैं यानी कि बना रहे हैं, तो उद्देश्य बना कौन रहा है, उद्देशिका या संविधान बना कौन रहा है, भारत के नागरिक, ना कि कोई एक व्यक्ति, और नागरिकों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा के मेंबर कर रहे हैं यहाँ पे। तो सारे मेंबर क्या कर रहे हैं, मिलने के बाद में उद्देशिका का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, यानी संविधान का निर्माण करें भारत के नागरिक। तो यानी कि एक आधार हम देखेंगे कि इसका इसका स्रोत क्या है, तो इसको देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी मैंने बताया आपको, संविधान में तीन बिंदुओं को उसको अगर उद्देश्य को समझना है तो इसको तीन भागों में आपको बांट करके देखना होगा। एक तो संविधान का स्रोत क्या है, तो संविधान के स्रोत है क्या, भारत के नागरिक, भारत के लोग, ठीक है, ये स्रोत है। और उसके बाद इसका स्वरूप कैसा है, यानी कि भारतीय संविधान है, जैसे मान लो किसी कंट्री का, मैंने भी आपको शुरुआती दौर में जिक्र बताया कि किसी देश का संविधान है कैसा बेटा, तो ये कैसे आप जान पाएंगे, तो वो आपका स्वरूप, वो स्वरूप से आपको पता चल जाएगा उद्देशिका के स्वरूप से कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। स्वरूप आप देखिए भारत का, भारत को मतलब भारत के लोग भारत को बनाना कैसा चाह रहे हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक एक शब्द का मैं क्लासिफिकेशन आपको करूंगा, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भारत के संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो वहां पर क्या होना चाहिए, एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, पंथनिरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक होना चाहिए और गणराज्य होना चाहिए। ये स्वरूप को निर्धारित कर रहा है, क्या कर रहा है किस चीज को, ये बात ये स्टेटमेंट किसको कर रहा है, भारत का संविधान का स्वरूप कैसा है, एक एक बिंदु को भी हम लोग डिटेल करने वाले हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है, इस संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है, ये कौन बता रहा है, ये उद्देशिका का देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको उद्देशिका का उद्देश्य मिलेगा, जैसे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय किसको मिलेगा, नागरिकों को मिलेगा ना, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये क्या है, उद्देश्य ही तो है मिले। इसके अलावा देखिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता किसको मिले, नागरिकों को मिले, कौन कौन सी स्वतंत्रता मिले, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले, व्यक्तियों में जो हमारे नागरिक है भारत के उनको समानता भी मिलनी चाहिए, समानता किस तरह की मिले, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक शब्द है समता, इसको भी अभी आगे चल के डिटेल हम लोग करने हैं, समानता और समता दोनों दो बिंदु हैं, इस पर अभी हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है, प्राप्त करने की यानी कि सभी को है ना, हर व्यक्ति जो वंचित व्यक्ति है, और वंचित की डिफिनेशन यहाँ कैटेगरी के हिसाब से नहीं होगी, वो डिटेल हम करेंगे कि वो किस आधार पर होगी, किस आधार पर लोगों को समान करने का प्रयास किया जा रहा है, भारत के नागरिकों, ठीक है, तो उनमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमारे आपके समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, किस तरह की न्याय की बात हो गई। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि बंधुता का सेंस भी इसमें दिया है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारे राष्ट्र में यह भी परिकल्पना की गई हमारे संविधान में कि यहाँ पर भाईचारा भी होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं, आपने इसको पढ़ा आपको कुछ समझ में आया कि क्या कह रहा है उद्देश्य हमारा, मैंने इसको तीन भाग में आपको बताया, एक तो ये स्रोत क्या है, जन्मा कहाँ से है, भारत के लोगों से जन्मा है, नागरिकों से आया है, ठीक है, नागरिकों ने ऐसा सोचा है, और नागरिक कैसे सोचेंगे, संविधान सभा के मेंबर के माध्यम से सोच रहे हैं, संविधान सभा के लोग कहाँ के हैं, भारत के हैं, तो भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, अब बाकी लोगों को प्रतिनिधित्व के लिए दे दिया कि भाई हमारे हिस्से का भी देख लो, हमारे हिस्से वाला भी कर लो काम, है क्योंकि वो इंग्लिश मिले पॉसिबल नहीं है, सारे व्यक्ति जाए संविधान बनाने, है ना, तो साथ ही संविधान सभा का, तो भारत के लोगों ने स्रोत बना दिया। फिर उसके बाद क्या, इसका स्वरूप कैसा है, इसमें देखिए क्या है, अब किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी आप जाति के हो, तो यहाँ पर क्या है, आप लोग देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता शब्द, लेकिन उसके पहले हम देखें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक एक शब्द को देखते हैं हम, तो स्वरूप आपने देखा, उद्देशिका देखा, अब हम लोग स्वरूप में जो शब्द है इनके बारे में देखते हैं कैसा स्वरूप है, आपको इससे पता चल जाएगा भारतीय संविधान है कैसा,
और संविधान से ही सरकारें चलती हैं। सरकार का कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, वह संविधान के आधार पर ही मार्गदर्शन और अपना सारा कार्य करती है। और सरकार जब भी कोई कार्य करेगी, गवर्नमेंट जब भी कोई वर्क करेगी बच्चों, वो उसमें हमेशा इसी स्वरूप को ध्यान में रखेगी और उसका लक्ष्य हमेशा जो उद्देश्य अभी मैंने आपको बताए हैं उन उद्देश्यों को ध्यान में रखे। सरकार की जो भी पॉलिसीज बनती हैं, किसी भी तरह की कोई पॉलिसी बने गवर्नमेंट की, सरकारें जो भी चलती हैं उसमें हमेशा वो उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। इन्हीं उद्देश्यों को आप ध्यान में रखेंगे। कभी भी आप देखिए सरकार की कोई भी योजना आ रही है तो उसमें क्या हो रहा है, इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखा जा रहा है, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखा जा रहा है और भारत का स्वरूप देखेंगे। तो भारत एक क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक राष्ट्र है भारत। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि चूंकि ये राष्ट्र के सेंस में यूज हो रहा है तो वह राष्ट्र, जो भी राष्ट्र है, जिस राष्ट्र का वो संविधान मतलब अब पढ़ रहे हैं, चूंकि हम भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत अपने हर तरह के फैसले, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य रिलेशनशिप्स के हो कंट्रीज के, सारे फैसले लेने में संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो बहुत सारे लोग ऐसे, आप लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप वगैरह पे ऐसे चलते हैं वीडियोस कि भारत कहीं कहीं अभी भी यहाँ गुलाम है और उस पर ब्रिटेन अभी उस पर अधिकार है, ये वो इस तरह की वीडियोस आपको आते हैं। वहां पे मैं बताना चाह रहा हूँ उसको, ये चीजें भारत में लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा जो संविधान बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भारत हर वो फैसले करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी तरह का आंतरिक या बाह्य दबाव उसके ऊपर नहीं वर्क करता, किसी कंट्री के दबाव में वो अपने आंतरिक और अपनी पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलता भारत। ये भारत अपने संविधान के माध्यम से उस व्यक्ति को जो इस पे सवाल खड़ा करता है उसको मैसेज देता है कि नहीं, भारत हर चीज के लिए स्वतंत्र है, उसको किसी बात अपने फैसले करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख लीजिए कि जब देश आजाद हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, दो महाशक्तियां खड़ी थी, विश्व पटल दो धड़ों में बटा हुआ था। एक तो था अमेरिका जैसे उन्नत देश के साथ यूरोपियन कंट्रीज थे जहां की अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी दृष्टिकोण के साथ, वहीं दूसरी तरफ चीन था, रशिया था, ये बड़े कंट्रीज थे जहां पर साम्यवादी दृष्टिकोण था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्तियों में बड़े संघर्ष चल रहे थे। एक तो आपका था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था अमेरिका कर रहा था, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो रूस कर रहा था। अब ये दोनों क्या चाहते थे कि जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हुए हैं जो आजाद हुए, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हुए कि जिनकी स्वतंत्रता उसके बाद में थी, तो उस समय क्या था कि हर अर्थव्यवस्था यानी कि अमेरिका और रूस दोनों चाहते थे कि जो कंट्री आजाद हो वो हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करे। लेकिन भारत जैसे देश ने यह प्रूव कर दिया, यह सिद्ध कर दिया कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न विचारधारा के लोग हैं, हम इन सब चीजों पे फर्क नहीं हमारे पड़ता है कि हम कौन सी कंट्री पूंजीवादी है, हमको दबा नहीं सकती है, ना ही हमको साम्यवादी अर्थव्यवस्था हमको दबा सकती है। इसी नाते भारत की अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, अगर भारत दबाव में कोई फॉरेन पॉलिसी निर्धारित करता या आंतरिक पॉलिसी निर्धारित करता तो उसको तो पूंजीवादी होना चाहिए था या तो साम्यवादी होना चाहिए था, लेकिन भारत ऐसा क्या है, नहीं है। भारत क्या है, धर्म एक तरह से कहिए उसकी जो अर्थव्यवस्था है दोनों की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कोई अर्थव्यवस्था नहीं। तो इसका मतलब भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का अच्छा उदाहरण आपको दिया ना, यानी कि अपनी सारी पॉलिसी, अपने सारे निर्णय लेने के लिए, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र है। ये किसी कंट्री के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का होता है। तो भारत के रूप में है, मैंने उदाहरण बताया। समाजवादी, देखिए समाजवादी दृष्टिकोण जो होता है ये लगभग हर व्यवस्था में होता है, जब पूंजीवादी व्यवस्था को छोड़ दिया जाए तो आपको समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था में देखेंगे तो वहां पर और भारत कि किस तरह से समाजवादी व्यवस्था क्या है, समाजवादी व्यवस्था में कि जो स्रोत होते हैं जैसे कृषि के स्रोत हो गए या जो भी स्रोत हैं उन पर सरकारों का अधिकार होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो अधिकार करती है, अधिकार का यहाँ पे सेंस है कि वो अपने हिसाब से, सरकारें क्या होती है पब्लिक की यानी कि जो जनता है उसके गार्जियन होते हैं,
और वो क्या करते हैं, सारे नीतियों ऐसे बनाते हैं कि सबको बैलेंस हो, यानी कि जरूरत पड़ने पर कोई किसी भी चीज का, जैसे खाद्यान्न हो गया, तो उसका वितरण सभी जनता तक हो सके। ऐसा ना हो कि कुछ वर्ग के लोग, कुछ लिमिटेड व्यक्ति ही सारे खाद्यान्नों पर अपना अधिकार जमाए रखें और उस चीज को अपने आप में एक इस रूप में करें। तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब समाजवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या दृष्टिकोण रहा है। तो समाजवादी दृष्टिकोण में से पूंजीवादी में क्या होता है, बहुत कठोर नियंत्रण होता है सारी चीजों पर। साम्यवादी दृष्टिकोण में बहुत ज्यादा कठोर होता है, कठोरता रहती है हर चीज पे, सरकारों का नियंत्रण बहुत ज्यादा। जैसे आप देखेंगे चीन में आप अक्सर देखेंगे कि चीजों पे बहुत कठोर नियम कानून सरकार बना देती है, जबकि भारत में आप देखेंगे तो मिश्रित समाजवाद के जो दृष्टिकोण है, यहाँ पर लिबरल विचारधारा रखी गई है कि जो जरूरत की चीजें हैं उन्हीं पर ही केवल जो है सरकार अपना अधिकार करेंगे। ठीक है, तो ये समाजवादी दृष्टिकोण है आपका। पथनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जो राष्ट्र है ना, जो राष्ट्र है, अब राष्ट्र है का मतलब क्या है, यानी कि जो सरकारें, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट का ये वर्क होता है कि उसका कोई धर्म नहीं, वो किसी संप्रदाय से बिलोंग कर रहा हो, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र किसी एक धर्म को प्रश्रय नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार रखेगा, समान नजरिया रखेगा, वो उन धर्मों को विकास के लिए, उन धर्मों की उन्नति के लिए कुछ सहयोगात्मक नजरिया रख सकता है, पर राष्ट्र अपना कोई धर्म नहीं होगा। राष्ट्र ना तो हिंदू होगा, ना तो सिख होगा, ना ईसाई होगा, ना ही हिंदू होगा। ये भारत का जो धर्म है वो कोई धर्म नहीं है। यहाँ के जो शासक होते हैं वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले हों, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करने वाले हों, तो उनका क्या है, कोई धर्म नहीं है। भारत एक निष्पक्ष धर्म का है, वो चाहे तो कुंभ के लिए दान डोनेट करता है सरकार, वो समर्थन कर सकती है, वो हज यात्रा के लिए लोगों को अनुदान दे सकती है, वो सिख धर्म के लिए कुछ मोटिवेशन के लिए वो कुछ कार्य कर सकती है। तो ये सरकार का ये कार्य सबके लिए कहेंगे, किसी एक पक्ष पे वो ध्यान नहीं दे सकती। ठीक है, तो राष्ट्र का मतलब उस राष्ट्र का कोई धर्म है, तो भारत का भी कोई धर्म नहीं। ठीक है, भारत का कोई एक धर्म एक तरह से कहिए, मतलब पंथ का कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, कोई मोटिवेट नहीं करेगा, वो सबके साथ समान बर्ताव रखेगा, ये भारत के संविधान में पहले से बता दिया गया है। अब आप किसी आर्टिकल को पढ़ने लगे, अब कहिए कि साहब ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जब भी कोई डिस्प्यूट खड़ा होगा कि भाई इस धर्म को देखिए प्रश्रय दे रही है, इस धर्म को प्रश्रय नहीं दे रहा है ये आर्टिकल, अगर ऐसा कभी भी विवाद आता है तो देशिका का माननीय न्यायाधीश महोदय उद्देशिका को ध्यान में उसको देखेंगे और उस उद्देशिका के आधार पर उसका निर्णय दे देंगे कि इस संविधान का जो आप मोटिव कहना चाह रहे हैं ये ना होकर कि उद्देशिका में इसके भाव से ये हो रहा है, वो कह सकते हैं अगर उनको जरूरत लगती है कोई देश का सहयोग लेना चाहिए तो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपका पथनिरपेक्षता, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, और पंथ में चार चीजें होती है, कभी इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। पथनिरपेक्षता यहाँ पर एक जो हमारे संविधान में जो शब्द यूज किया गया है वो धर्म निरपेक्ष ना करके पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया है। सेकुलर राष्ट्र है भारत। ठीक है, अब उसकी डिफिनेशन में आप देखेंगे तो सेकुलर में मतलब कैसे कैसे क्या चीजें आपकी हैं वो कभी हम लोग और चर्चा करेंगे, तो उसमें देखेंगे हम लोग। तो पंथ निरपेक्षता में आपको इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्र का जो है कोई पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार रखेंगे। ठीक है, ये बात है। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट होकर के आते हैं, चुन करके आते हैं, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, यानी इलेक्शन होता है, एक तरह से कहिए कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, ये आपका यानी कि जो सभा बनेगी वो लोकतंत्रात्मक, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र होगा और लोग यहाँ पर इलेक्ट होकर के चुन करके आएंगे, चाहे वो कोई भी स्तर हो, ग्रामीण स्तर, मतलब कोई भी आपका राष्ट्र स्तर पर जो लीडरशिप होगी यानी प्रशासन होगा वो इलेक्टेड लोगों का, चुने हुए लोगों के द्वारा होगा। ठीक है, ये चीज है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य का मतलब देखिए क्या होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत कैसा राष्ट्र है, तो लोकतंत्रात्मक क्या है, गणराज्य है कि नहीं। तो गणराज्य का जो मतलब होता है कि जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, हर वो कंट्री गणराज्य हो सकती है, ठीक है, जिसका सर्वे सर्वा यानी कि जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, जैसे भारत का प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो जो प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख होगा वो चुन करके आएगा, वो इलेक्ट होगा,
इलेक्शन होगा, उसका मतदान होगा और वो चुनाव के माध्यम से जीत करके आएगा। भारत के राष्ट्रपति महोदय का, जैसे हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति देखिए तो अप्रत्यक्ष चुनाव में आप देखेंगे, लेकिन उनका चुनाव होता है सदन के मेंबर्स के द्वारा, उनका चुनाव होता है लोकसभा राज्यसभा के मेंबरों के द्वारा चुनाव उनका किया जाता है, वो जनता के द्वारा नहीं लेकिन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव होता है। इसी तरह से जिन भी कंट्रीज में आप देखेंगे, जैसे अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का अभी चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा जनता के द्वारा गया तो वो कैसा है, गणराज्य है कि नहीं गणराज्य, यानी कि जिस भी राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख चुन करके जनता के द्वारा आएगा वो कैसा राष्ट्र होगा, गणराज्य होगा, ठीक है, वो गणराज्य होगा, तो भारत भी गणराज्य है। अगर हम बात करें कि सेंस में बात करें कि हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में क्या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था तो है लेकिन क्या गणराज्य है, नहीं गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां वंशानुगत परंपरा है, वहां का जो मतलब जो राष्ट्र प्रमुख होता है राजा जो है वो निर्वाचित ना होकर के वंशानुक्रम के आधार पर चलता है, इसलिए वो गणराज्य नहीं है, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो वहां पर है लेकिन गणराज्य व्यवस्था वहां पर नहीं है, समझ गए हम क्या मतलब। तो ये तो बात की हम लोगों की, और जो संविधान का स्वरूप क्या होगा, इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संविधान का स्वरूप हमारे कैसा है, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आता है मेंस में बना करके, प्री में बना करके क्वेश्चन बच्चों पूछेगा इससे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके उद्देश्य का मतलब उद्देश्य क्या है, लक्ष्य, अब इनको ध्यान में रखते हुए यानी कि स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, संविधान सभा के मेंबर लोग मतलब जो बताना चाह रहे हैं मैं वो बात आपको बता रहा हूँ कि अभी ये लोग क्या करना चाहेंगे कि अपने उद्देश्यों को बनाएंगे और उद्देश्यों के माध्यम से कार्य करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब उद्देश्य के क्या है, देखिए बड़े अच्छे अच्छे बहुत बेहतरीन उद्देश्य हैं, कितना अच्छा हमारा संविधान निर्माताओं के विचार कितने बेहतर थे इससे देख करके, हमारा संविधान कितना ग्लोरियस है, कितना स्मार्ट है, वो आप इसको देख करके समझ जाएंगे, इसको पढ़ करके अगर प्रयाम देखते हैं कितना खूबसूरत सा संविधान है। अब कुछ एक लोग इस संविधान को अपने तरीके से तोड़ मोड़ के पेश करते हैं या इसको मिसयूज करते हैं, एक अलग विषय है, लेकिन हमारा संविधान कितना अच्छा है ये आप इसको देख करके आप समझ सकते हैं। चीज़ देखिए, जैसे अब पहला हम लोग बात करेंगे इसमें न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की और बंधुत्व की, तो हम लोग बात करते हैं पहले न्याय की बात कि मतलब प्रत्येक भारतीय नागरिक को, जो भारतीय हमारे नागरिक हैं इनको न्याय दिया जाएगा, और किस तरह के न्याय है, तीन तरह के न्याय की व्यवस्था की गई है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, कौन कौन सा न्याय अन्याय नहीं होगा, कौन कौन सा न्याय करें मतलब न्याय करेंगे तो इसका मतलब अन्याय नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय उनको मिलना ही चाहिए, यानी कि देखिए कैसे स्पष्ट होगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, के साथ आप उसकी सामाजिक कोई हानि नहीं कर सकते, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हानि, यानी अब इसके लिए किसको मोटिवेशन किया गया है, ये सरकार को किया गया मोटिवेट, किसके लिए स्टेटमेंट, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, चूंकि पॉलिसी कौन बनाएगा, इसे कानून तो बन गया है, अब कानून का क्रियान्वयन कराने वाली इकाई कौन सी होगी, सरकारें होंगी, और उसमें कोई डिस्टर्बेंस होगा तो न्यायपालिका उसमें सहयोग करेगी, न्यायपालिका उसको बताएगी कौन सही है कौन गलत है, न्यायपालिका का रोल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ने भी कुछ गलत काम किया हो, तो वो इस कारण से न्यायपालिका का आधार, वैसे क्या होता है कानून बना हुआ है, कानून निर्माताओं ने उसको कानून बना रखा है, सरकारें उस पर क्रियान्वित करेंगी, तो सरकार जब भी कोई कानून कुछ भी व्यवस्था लाएगी तो उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई पॉलिसी हो उसमें सामाजिक अन्याय हो जा रहा है लोगों के साथ, यानी एक व्यक्ति को मिल रहा है दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, अब वो कैसे मिल रहा है उसकी डिफिनेशन हम लोग एक एक बिंदु यहाँ एक सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी डिटेल हम लोग आगे की कक्षाओं में जरूरत पड़ने पर करते रहेंगे समझ सकते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक, यानी कि कहने के मतलब से अब राजनीतिक न्याय की बात करते हैं कि सरकार ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकती है कि जिसके साथ राजनीतिक अन्याय, से कहने का मतलब है अभी आज के डेट में देखिए कि महिलाओं के लिए कुछ सीटें निर्धारित हैं, कुछ सीटें पुरुषों के लिए निर्धारित हैं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को सीटें नहीं दी जाएंगी, एक आधार आपको थोड़ा समझ में आया होगा, यानी राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं अक्सर आप देखिए तो पंचायतों के चुनाव होते हैं तो उसमें आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं, कहीं 33% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है और जगहों पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग दृष्टिकोण है तो उनको इस तरह की सीटें प्राप्त है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं यानी SC ST हैं OBC हैं और जनरल कैटेगरी के जो अनारक्षित अनारक्षित जो लोग हैं वो है तो सीटें उसमें क्या होगा, चुनाव होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि ये सीट अभी जैसे अभी हम लोगों की पंचायत चुनाव भी हाल ही में खत्म हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर महिला सीटें हैं, फिर उसमें आपने देखा होगा कि वो सीटें रिजर्व सीटें हैं,
रजिस्ट्री में आपने देखा होगा कि ओबीसी के लिए आरक्षित है या एससी के लिए आरक्षित है, तो ये क्यों आरक्षित है, कैसे आरक्षित है, ऐसा क्यों क्यों आरक्षित आरक्षित करने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो उसमें सरकार का ये रहता है अपना नजरिया, वो ये जो जहाँ पे है ना न्याय की बात, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग वंचित रह जाए, छूट जाए लोग, एक एक वर्ग विशेष के लोग छूट जाए या एक समुदाय विशेष के लोग छूट जाए, जिस तरह इस तरह का न्याय का प्रयास किया जाता है। और आर्थिक समृद्धि बैलेंस करने का भी प्रयास करती है, जैसे आप लोग देखिए सरकार क्या करती है कि महिला वृद्धा पेंशन है, या जो जो ऐसे हैं कि जो वृद्ध लोग हैं उनको मतलब कोई उनके आगे पीछे नहीं है तो उनको सरकार पेंशन उपलब्ध कराती है, या सरकार राशन वगैरह खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम उन्होंने बना रखा है कि सबको खाद्यान्न का वितरण हम करेंगे। तो ये सब क्या होता है कि आप देखेंगे तो उसमें से आपको ये चीज़ झलक जाएगी कि मतलब आर्थिक मतलब संपन्नता, अब आप कहेंगे कि आपको गवर्नमेंट हमको पेंशन 1000 रुपये महीने नहीं दे रही है, और किसी व्यक्ति को आप देखेंगे सरकार उसको पेंशन दे रही है, तो इसका मतलब सरकार उसको समझ रही है ना, एक न्याय करने का प्रयास करेगी, आप कमा रहे हैं तो आपको नहीं दे रही गवर्नमेंट, वो नहीं कमा रहे तो दे रही गवर्नमेंट, उनको जरूरत लग रही है, उनको लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हो जा रहा है तो सरकार न्याय करने का प्रयास कर रही है। न्याय आप नहीं करेंगे, न्याय तो गवर्नमेंट करेगी ना, जब आप सरकार हो जाएंगे, अगर आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है तो आप सरकार में जाइए और अपनी बात को रखिए, और अगर आपका संवैधानिक दृष्टिकोण में रहते हुए दायरे में रहते हुए अगर आप कोई पॉलिसी बनाएंगे तो वो रहेगा। जैसे कि अभी सरकार ने देखिए आर्थिक रूप से जो सबर्ड कैटेगरी के जो अच्छे रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने इस तरह की व्यवस्था की है, वो क्या है सरकार की एक तरह से आर्थिक असमानता का जो दृष्टिकोण है तो उसको बैलेंस करने का प्रयास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से न्याय होगा, उसके अलावा क्या होगा, कुछ स्वतंत्रताएं दी जाएंगी, किसको, भारत के नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है भाई, विचार, यानी कि आप फ्रीली अपने विचारों को रख सकते हैं लेकिन वो विचार दूसरे को प्रभावित ना करें, दूसरे को लॉस ना करें, तो वो विचार आप बिल्कुल रख सकते हैं, ये विचार की आपको हो गई अभिव्यक्ति है, यानी कि आप किसी चीज को मतलब कोई आप महसूस करते हैं किसी चीज को, है ना, आप अपनी कोई विचारधारा आपकी है आप उसको रखना चाह रहे हैं तो आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते वह कंडीशन आपके साथ होनी चाहिए कि आपको उससे किसी का या राष्ट्र का हानि नहीं होनी चाहिए, तो आप अपनी बात को अभिव्यक्त की आजादी वहां तक आपको है जहां तक भी राष्ट्र की हानि नहीं होती है या किसी व्यक्ति विशेष की हानि नहीं होती है वहां तक आपको अभिव्यक्त की स्वतंत्रता पूरी है। विश्वास आप निश्चित तौर से कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ रह सकते हैं, भारतीय है और हम गलत नहीं है तो हम किसी भी बात को कह सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, तो इस तरह की स्वतंत्रता हमको है। धर्म और उपासना, यानी हमारा धर्म है, जैसे हमारा मन कर रहा है आज हम किसी और धर्म में है, मान लीजिए हम किसी धर्म में है, कल को मन में आ रहा है कि इस धर्म से मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं इस धर्म में चला जाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उस धर्म में भी जा सकता हूँ। अब ये अलग बात है समाज सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक अलग ही फैक्टर होगा, लोग क्यों नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो अगर आधुनिकता धीरे धीरे आएगी तो लोग जब मन में आएगा जिस धर्म में चले जाएंगे, जब मन में धर्म से घर चले आएंगे, ये भी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबल है, संविधान को पावर देता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज हमको थोड़ा सा सामाजिक डर के नाते हम रोज नहीं बदलते रहते, अन्यथा की स्थिति में अपने जीवन काल में आप 200 धर्म में जा सकते हैं, 10 बार जा सकते हैं, 10 बार आ सकते हैं, यानी एंट्री भी है और एग्जिट के द्वार भी खुले हुए हैं, तो आप ये मान लेना चाहिए कि हम संप्रदाय और लड़ाई करते हैं लोग मीन्स जो लोग लड़ाई करते हैं उन लोगों के लिए एक मैसेज आप बता सकते हो कि भारत ऐसी स्वतंत्रता देता है कि जब मन में आए धर्म के लिए आप लड़ रहे हो आप उस संप्रदाय उस कमी उस चीज के लिए लड़ रहे हो तो आप उसको लड़ो आप बता सकते हो चीजों को, यानी कि आपको धर्म को मानने की और दूसरी चीजें भी आप समझ लीजिए धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, यानी कि अगर किसी को कोई हानि नहीं होती किसी को लॉस नहीं हो सकता तो हम अपने धर्म का पूरी तरह से आराम से उसका पालन कर सकते हैं, हम अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने धर्म की उपासना कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं है, कोई हमको प्रतिबंधित नहीं करेगा कि हम अपने उसको हम अपने तरीके से ना जिए, हम चाहे जिस तरह से उस तरह से जी सकते हैं उस चीज़ को धर्म, है ना। ठीक है, और उपासना यानी कि जो हमारी पूजा पद्धति है, जैसे आप देखेंगे कि गुरुद्वारे में पूजा करने की जो पद्धति अलग है और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसकी हमारी पद्धति अलग है, जब हम प्रेयर करते हैं मंदिरों में पूजा करते हैं तो वहाँ की पद्धति अलग है, तो सबकी अपनी पूजा पद्धति है, तो उसमें कोई उपासना की अपनी सबकी स्वतंत्रता है, सबको अपने जैसे मन में वैसे पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और समान समता भी कही गई है, समता बड़ी अच्छी चीज़ है भाई। देखिए भारत सरकार जो है वो क्या है, उसके लिए सभी क्या है, पूरी जनता क्या है, उसके बच्चे हैं, और सरकार और पार्लियामेंट क्या है, हमारे अभिभावक हैं, जैसे हमारे घरों में माँ बाप हमारे अभिभावक होते हैं, उसी तरह से ये जो हमारे संविधान के जो चलाने वाले लोग होते हैं 5 साल के लिए जो इलेक्ट होकर चुन करके आते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारी पार्लियामेंट जो आती है मंत्रिपरिषद मूल रूप से ये, और साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा और आदरणीय राष्ट्रपति को महोदय को लेते हुए, तो हम लोग क्या करते हैं ये
ये जब आते हैं तो हमको ये इनकी निगाह में सभी बच्चे हैं, सभी इसके नागरिक हैं, है ना। तो हम सभी लोग नागरिक हैं, तो इन सभी नागरिकों में अगर उनको लगता है कि किसी व्यक्ति का की प्रतिष्ठा कब को बढ़ाने की जरूरत है, तो सरकार उस पर अपने कानूनों के माध्यम से उसको प्रतिष्ठित करने का प्रयास करती है। जैसे कुछ लोगों के लिए अभी आप लोगों ने देखा कि पहले शब्द चलता था कि हमारे जो दिव्यांग विकलांग लोग रहते थे उनको कहा जाता था विकलांग, लेकिन सरकार ने क्या कहा अभी, अभी उनको दिव्यांग कहे पसंद है। यानी कि अब एक शब्द है कि उस वर्ग के लिए जो भी हमारे प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति ने जिनको थोड़ा सा हमको विशेष बनाया, हमारे उन भाइयों को हमारे उन बहनों को उन लोगों को जिनको विशेष बनाया है, तो उसको हम पहले विकलांग शब्द यूज करते थे, अभी दिव्यांग शब्द यूज करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आप किसी को एक तरह से कहिए कि सरकार उनको एक ये कहने की कोशिश एक तरह से कही है कि उनको एक तरह से साइकोलॉजिकल रूप से प्रतिष्ठित करने का एक तरह से आपको लगेगा कि अगर आप समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं कि उसको प्रतिष्ठित कर रही है, यानी दिव्यांग वाला व्यक्ति दिव्यांग उसको कहा जाता है। ठीक है, दिव्यांग जिसको प्रकृति ने दिया हो दिव्यांग, वो दिव्यांग व्यक्ति है। तो यानी हर व्यक्ति की मतलब जो है एक तरह से कहिए कि उनको समता का को लाने के लिए वहां प्रयास किया जाएगा। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर की समता भी आप देखेंगे कि यहाँ तो बात मैंने प्रतिष्ठा की बात कर दी कि किसी को आप कह नहीं सकते अरे विकलांग सुनिए, ऐसे नहीं कर सकते आप, उनको कह सकते हैं हमेशा कहेंगे दिव्यांग, और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग होने से वंचित रहेंगे, मतलब कोशिश करेंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो, उनके जो नामकरण हो उनके नाम उस आधार पर उसको करें, लेकिन जब आप लेखनी में नहीं करेंगे किसी डॉक्यूमेंट में जब यूज करेंगे तो वहां पर दिव्यांग शब्द का यूज किया जाए। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि अवसर की समता, अवसर की समता क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी को लेकर जैसे भारत में जो आरक्षण दिया गया है, आरक्षण को लेकर के लोग सोचते हैं उस पर बड़ा डिस्प्यूट लोगों को आता रहता है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है और ये गलत है या नहीं है। तो देखो गवर्नमेंट को अगर लगता है, हमारे माँ बाप जो हमारी सरकार है उसको अगर लगता है कि नहीं ये बहुत जरूरी है और इस तरह से ऐसा होना चाहिए, तो वो सरकार उसी आधार पर उनको देती है। कैसे मैं आपको बताऊँ, मैं बता रहा हूँ, एक परिवार में चार बच्चे हैं, आप इमेजिन करिए एक परिवार में चार बच्चे हैं और यही भारत की पूरी जनता है। ठीक है, भारत की जनता एक फैमिली है, इसमें चार मेंबर हैं। ठीक है, और हमारे और फैमिली के मेंबर के अभिभावक हैं हमारा हमारे संविधान के जो मॉनिटरिंग करने वाले बॉडी यानी सरकार है, वो हमारे अभिभावक हैं। उनको यदि लगता है कि उनके घर में सारे बच्चे 5 फीट के साइज के हैं, कोई बच्चा उनके यहाँ 2 फीट का अगर है, तो उस बच्चे को वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो डेफिनेटली छोटा बच्चा डाइनिंग टेबल पर नहीं पहुंच सकता है। तो उनके लिए क्या होगा, उस छोटे बच्चे के लिए स्पेशल चेयर का निर्माण करना होगा, तो उसके लिए एक स्पेशल चेयर अगर बनाई जाएगी तभी वो डाइनिंग टेबल पर खा सकता है। तो गवर्नमेंट का काम ये है कि उसके लिए एक अच्छी चेयर की व्यवस्था कराई जाए, मतलब एक ऊंची चेयर हो कि जिसपे वो चढ़ करके बच्चा बैठ करके उन समकक्षता में सबके खा सके। अगर उसके लिए सरकार विशेष व्यवस्था देती है तो आप क्या बाकी से इस बच्चे चार लोग विरोध करना उनके लिए हक है कि भाई हमको नहीं मिला इनको मिला, चूंकि आप समझ गए होंगे आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है, सरकार क्यों नहीं छोड़ना चाहती है, मतलब क्यों नहीं छीन रही थी इसी लिए, क्योंकि सरकार को जब तक लग रहा है कि नहीं इस बच्चे को अब अभी जरूरत है, अभी छोटा है, हो सकता है बड़ा हो समय के साथ में तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसकी चेयर ले ली जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेलिटी की बात करती है, यानी सरकार को जब लगता है तो समता करती है। यहाँ पर आपको ये समानता का भाव नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सरकार जब कोई चीज देती है तो समता करती है, यानी कि सबको टेबल पे सबके भोजन रखे हुए हैं, उस छोटे बच्चे को भी पहुंचने में सुविधा होगी, साथ उसको एक सीट ऐसी दी जाए जो ऊंची सीट हो जिस पर बैठ के वो कर रहे भोजन कर। तो यहाँ पे आपको समझ इक्वेलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इक्वेलिटी की बात कर रहा है। दूसरी चीज आप समझ सकते हैं, दूसरे एग्जांपल के तौर से आप समझे कि अगर कोई बाउंड्री वॉल है 4 फीट की बाउंड्री वॉल है और 4 फीट बाउंड्री वॉल के बाद कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई मैच हो रहा है जिसमें सारे परिवार के चार बच्चे मैच को देख रहे हैं, एक बच्चा वही बच्चा जो छोटी साइज का डाइनिंग टेबल पर खा रहा था, वो छोटा बच्चा वहां जाता है, वो उस बाउंड्री वॉल तक नहीं पहुंच पाता है, पेरेंट्स उसके लिए टेबल की व्यवस्था कराते हैं और उस टेबल पर चढ़ करके वो फिर मैच को देख पाता है, उसके पैसे को देख पाता है। तो उसके लिए सरकार वो व्यवस्था जो करती है वही क्या है, इक्वेलिटी है, समता, समझ गए ना। इस नाते बाकी भाई तीन लोग विरोध नहीं कर सकते कि पापा आपने क्यों उनको लिए किया, है ना, वो तो पेरेंट्स को जब लग जाएगा कि नहीं जरूरत नहीं है तो नहीं देंगे, इस तरह से आरक्षण भी इस तरह से सरकार को जब लग जाएगा तो वो भी चीजों को छोड़ देगी। आगे देखते हैं, तो ये आपको समता के बारे में देखा, उसके बाद में देखा है कुछ चीजें हमारी हैं, क्या है, अखंड बंधुता के बारे में कह रहा है, व्यक्ति की गरिमा, है ना,
जो हमारी गरिमा है, यानी कि किसी भी चीज को लेकर के आप समझते कि आपका एक मानसिक जो आपकी जो स्थिति है ना, उसको मेंटेन रखना बहुत अपने आत्म आत्म जैसे आत्म सम्मान जिसे आप कहते हैं, वो व्यक्ति की गरिमा को कोई आहत नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित रखना ये जिम्मेदारी है, इस संविधान में यानी बनेगा ऐसा संविधान, और भारत का प्रत्येक नागरिक इस पर कोशिश करेगा, इसको फॉलो करेगा, और नहीं करेगा तो सरकार इस पर इसके लिए सख्त कानूनों का निर्माण करेगी, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्र हित में न बोल करके राष्ट्र के विरोध में बातें बोल जाते हैं, तो सरकारें क्या करती है, आधारों पर कानून मतलब कानून बना करके दंड का प्रावधान करती है। तो ये आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये चीजें इसकी कुछ विशेष बातें इसके अंदर की रही, उसके अलावा क्या है, ये तो वही तिथियां हैं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख के बारे में देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन चुका था, ठीक है, और संविधान बन जाने के कारण से ये संविधान हमारा लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कुछ आंशिक रूप से इसके बहुत सारे संविधान उसे लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950, क्योंकि 1930 में ही भारत में लाहौर में रावी नदी के तट पर ही भारतीय तिरंगा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, हमारे 1930 से ही, जब हमारे क्रांतिकारी एक तरह से हमारे कांग्रेस की बैठक हुई उसमें फैसले लिए गए थे कि भैया हम लोग इसको इस रूप में मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के लिए 26 जनवरी को मनाएंगे। तो 26 जनवरी शुभ होने के कारण से आगे चल करके ये जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, इसको चूंकि वो तिथि बहुत करीब थी इस नाते इसको कहा गया फाइनली इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। तो लागू पूर्ण रूप से हमारा जो होगा वो 26 जनवरी 1950 होगा, और अगर देखा जाए कि अंगीकृत करने की बात होगी तो 26 नवंबर 1949 बेटा, समझ गया होंगे आप। इसके अलावा देखिए जो संवत होता है, यहाँ पर थोड़ी स्थिति और भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 26 नवंबर 1949 को मिति मासी सुख सप्तमी संवत 2006, ये तिथि देख रहे हैं 2006 की तिथि है, जबकि ये डेट हो रही है कहाँ 1949 की बात हो रही है। तो जब भी संवत होते संवत देखिए, जैसे हिजरी संवत है, विक्रम संवत है, शक संवत है, बहुत सारे संवतों के बारे में कभी और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोगों का जो संवत जो यूज किया जाता है विक्रमी संवत यूज किया जाता है, ठीक है। संवत बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि जो मूल वर्ष चल रहा है उसमें 57 वर्ष ऐड कर दिया जाता है, 57 वर्ष, तो आपका वो विक्रमी संवत के रूप में आपको आ जाएगा। तो आप इसमें 1949 में यदि आप जोड़ेंगे 57 ईयर तो आपको 2006 की तिथि मिल जाएगी, साथ ही इसको 2006 की तिथि की जाती है, ठीक है। इसी तरह से आगे चीजें हैं, ये आपका संविधान का निचोड़ रहा। अभी इसमें से आपको और कुछ कुछ चीजें जाननी है, तो संविधान ये क्या हो गया, तो अभी हमने डिटेल आपको बताया प्रीएम्बल के बारे में, उद्देशिका हमारी है क्या और उद्देशिका में क्या क्या बातें। अब उद्देशिका के संदर्भ में जब उद्देशिका बनी तो अब टकराव शुरू होगा, बन चुकी है उद्देशिका, सारी चीजें बन चुकी हैं। अब ये आएगा कि ये वास्तव में अब सरकारें अपने हिसाब से शासन करना शुरू करेंगी, इसके हिसाब से अपनी चीजें बनाएंगी, और जब सरकारें अब डिक्टेटर होने लगेंगी तो ये संविधान की जो उद्देशिका है उनको कंट्रोल करने का कार्य करेंगे, उनको नियंत्रित करेंगे। कैसे नियंत्रित करेंगे, देखिए एक इंग्री बेलवारी केस था 1960 में, उस समय क्या था, देखिए जब देश हमारा आजाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था किसान कृषि प्रधान थी, बहुत समय लगा हमको विकास करने में, उन्नत करने में बहुत समय लगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस हमारा शासन करते रहे, उस समय के जो जन भावना थी कांग्रेस को लेकर के एक अच्छा जो उनका नजरिया था, उनकी कार्यशैली थी, उससे जनता सभी खुश थी। उसमें करते करते जब शासक होते तो कुछ शासक क्या करते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा सुधार करते करते कुछ ऐसी चीजें भी करने लगते हैं जिससे जनता को उस उनकी उस पॉलिसी से खिन्नता आने लगती है, तो जनता उसमें विरोध में आ जाती है, और विरोध का मतलब है कि वो इलेक्ट नहीं करेंगे, उनको चुनाव में हराने की कोशिश करेगी, तो सरकारें तकरार करने लगती हैं, और सरकारें जनता का विरोध दबाने के लिए कुछ ऐसी नीतियों का भी अनुसरण कर पॉलिसी बना जाती है कि जिसमें जनता का एक तरह से कहिए हित बाधित होने लगता है, तब न्यायपालिका उसमें जनता के बचाव में उतर आती है। अब जनता के बचाव में यानी कि सरकारें जब कभी ऐसी पॉलिसी बना देती हैं कि जनता की हानि हो रही है, तो कोर्ट इसमें अपने माध्यम अपने प्रयाम उद्देशिका को लेकर के या संविधान की डिबेट करने को लेकर के उसमें अपने बातों को रखती है और सरकार को उस पॉलिसी को ध्वस्त करती है। अब होता क्या है, ये हिंदी व्यवहार केस 1960 में कहा गया कि ये उद्देशिका जो है ये संविधान का अंग है कि नहीं है, जैसे ये सवाल मैं अभी इससे बता रहा हूँ आपको कि ये है कि नहीं है, ये एक्सेप्ट किया गया कि नहीं किया गया, तो इसमें कहा गया है कि बिल्कुल वाले केस में कि नहीं, उद्देशिका
संविधान का अंग नहीं है, यानी कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। जरूरत पड़ने पर उद्देशिका का मतलब उसमें से कुछ हटा भी दिया जाता है, उद्देशिका को हटा ही दिया जाए संविधान का, तो संविधान पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये इंटेंशन था कि इसमें अब इंटेंशन आया क्यों, ये विवाद क्यों चला, इसमें सरकार का ये मोटिव था कि इससे कोई सुधार सरकार कर रही है ना। मान लो कोई आर्टिकल है और आर्टिकल के आधार पर, अनुच्छेदों के आधार पर सरकार अपना अपनी पॉलिसी बना रही कर रही है, और किसी को व्यक्ति को या समाज किसी संस्था को ऐसा लगता है कि नहीं सरकार ये गलत कर रही है और इससे मतलब ये उद्देश्यता की भावना आहत हो रही है, तो इसको जस्टिफाई कौन करेगा, तो माननीय न्यायपालिका करेगी और न्यायाधीश महोदय उस बात को रखेंगे। तो यही जो बात था जो मेरी बारी वाले केस में उसमें यही बात बताई गई आपकी कि ये संविधान का अंग आपके नहीं है। ठीक है, संविधान का अंग नहीं है और उद्देशिका के रहने न रहने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी इसी के साथ इन्होंने अपने मेंशन करने की बात बताई है कि यह संविधान को जानने वाली, संविधान को समझने की एक कुंजी है, ये कहा है ना, इस बात को कहा। फिर उसके बाद में यानी कि संविधान उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ये माना किसने, इंद्र बेरीवाली वाले केस 1960 वाले केस। ठीक है, लेकिन फिर आगे चल करके 1973 में एक वाद आया केस नाम केरल राज्य, उसमें फिर यही बात आई कि क्या संविधान ये जो है उद्देशिका जो है संविधान का अंग है कि नहीं है। तो अब ये उसमें पता चला संविधान का अंग है कि नहीं है, तो उसमें किसान भारती में केरल राज्य में कोर्ट ने कहा कि नहीं ये संविधान का अंग है, और संविधान का अंग है तो इसके इसमें जब संविधान का अंग है तो जरूरत पड़ने पर संविधान के अंग में भी सुधार किया जा सकता है। संविधान में क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो सुधार जो है वो संविधान की मूल आत्मा को ही प्रभावित करते, यानी कि संविधान की मूल आत्मा को प्रभाव बदले बिना आप जितना चाहे उतना आप उद्देशिका में विस्तार कर सकते। क्या समझ में, इसके पहले क्या था, उद्देशिका में विस्तार नहीं कर सकते हैं, अब उद्देशिका में विस्तार करेंगे। इसी को आधार बनाते हुए इंदिरा गांधी महोदया ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया, और उसमें इतना ज्यादा संशोधन कर दिया, इतना ज्यादा संशोधन कर दिया, तो उसे मिनी संविधान के रूप में आप उसको देखेंगे, मिनी संविधान ही पूरा बना डाला। कारण क्या था, क्योंकि आप सरकारें चाहें तो उसमें सुधार कर सकती है, और इतना धड़ाधड़ इतना ज्यादा सुधार कर डाला कि एक तरह से कहिए कानून ही बना डाला ऐसा कि जो सरकारों को एक शक्ति प्रदान, एक तरह से कही है सरकार कहीं कहीं थोड़ी सी अपने आप को बहुत ज्यादा सबल बनाने की स्थिति में पहुंच गई। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, उस 42वें संविधान संशोधन में कुछ शब्द जोड़े गए, कुछ शब्द भी देख लीजिए आप, शब्द आपके थे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता, ये तीन शब्द आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। अब देखिए सर क्वेश्चन आयोग में क्या पूछता है, ध्यान रखिएगा, यहां पर देखेंगे आप, मैंने बताया आपको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये दो शब्द, ये क्या होता है, यहाँ पे पैरावाइज अगर आप देखेंगे तो पूछता है कि किस पैरे में क्या सुधार किया गया, तो पैरा नंबर एक में दो शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, और इसमें से अगर आप सीक्वेंस में आएंगे तो अगर आप पैसेज के रूप में देखिए तो पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री के रूप में इसको देखेंगे, पैरा फोर एंड पैरा फाइव के रूप में इसको देखेंगे, और पैरा सिक्स के रूप में छठा पैरा में आपका यह अखंडता शब्द। तो यानी कि पैराग्राफ 6 में आपको पूछता है, इस क्वेश्चन में इस आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पूछता है कि किस पैराग्राफ में क्या शब्द जोड़े गए, तो अखंडता शब्द जो है 6 पैराग्राफ में आपका जोड़ा गया था, और ये शब्द जो है समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द है। ये क्वेश्चन इससे ऐसे भी आया है बच्चों कि हमारा जो उद्देशिका थी यानी कि 42वें संविधान संशोधन से पहले तो मूल जो हमारी उद्देशिका थी उसमें क्या शब्द यूज किया गया, तो ध्यान रखिएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द थे वहां पर, ना कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द। ठीक है, तो ये शब्द याद रखिएगा, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक संविधान में पूछेगा कि संविधान संशोधन से पहले हमारे संविधान का मतलब उद्देशिका में क्या शब्द थे, तो ये रहेगा, और यहाँ पर जो शब्द आपका है अखंडता शब्द है ये नहीं था। ठीक है, तो अखंडता शब्द को भी आप हटा करके ही बात बताएंगे। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग, तो ये तो संविधान के बारे में कुछ बातें रही। इसके अलावा कुछ लोगों ने संविधान को लेकर के कुछ शब्द भी कहे हैं बच्चों, जैसे आपका देखेंगे तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में बाद में हिदायतुल्लाह साहब जो है जब डिसीजन दे रहे थे, निर्णय दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा इस उद्देश्यता को लेकर के
कि देश का संविधान की आत्मा है, और जबकि बी आर अम्बेडकर महोदय ने कहा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान के उच्चारण के अधिकार को। ठीक है, यहाँ पर इलाज मिला साहब ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, उद्देशिका को कहा है इस वाले बात में। और के एम मुंशी ने इसको क्या कहा है, ये राजनीतिक जन मंत्री है, ये बताया किसने, के एम मुंशी साहब ने इसको कहा है। और इसके अलावा एक संविधान के बहुत बड़े जानकार हमारे हैं पढ़ते होंगे सुभाष कश्यप साहब का, सुभाष कश्यप साहब ने इस चीज के बारे में क्या कहा है, कहा है कि अगर संविधान शरीर है तो उद्देशिका क्या है, उसकी आत्मा है, और अगर उद्देशिका आधार है तो संविधान हमारी अट्टालिका है, यानी उसकी इमारत है। समझ रहे बात? तो ये कुछ लोगों ने विशेष बातें बताई हैं उद्देशिका के संदर्भ में। तो उद्देशिका आज आप लोगों ने आपको जाना उद्देशिका के बारे में, कुछ एक बिंदु और भी समय पर हम चर्चा इस पर करते रहेंगे, इसके संदर्भ में आप लोग जानते रहेंगे। और अगर पॉलिटी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन रहा है तो इसको आप बुक करिए, खूब अच्छे से हम लोग उसमें पढ़ेंगे और आपको इतना केवल बना दिया जाएगा, तो प्रयास करूंगा कि आप अच्छे से मेंस लिख पाएं। अब उद्देशिका में जिन लोगों ने सीरियसली इसको देखा होगा, इस पर आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका की विशेषताएँ क्या हैं। अब आप लोग अपना अगर अपना खुद का प्रयास करना चाहते हैं बच्चों, तो मेरी राय आप लोगों से है कि आप लोग इसके इस पर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए इसको, कि भारतीय संविधान की उद्देशिका की विशेषताएँ क्या हैं, इस पर आप लोग मेंस लिखिएगा, मैं से कुछ क्वेश्चन तैयार करके लिखिएगा। और अगर आप जरूरी समझिएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज करिएगा, बताइएगा, और कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं तो भी करिएगा। आप सभी लोगों की प्रोविजन बहुत बेहतर तरीके से रेगुलर रूटीन में चलती रहेगी, बसरते आप इस वीडियोस को देखते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं, पूरे पूरे टाइम आप उसको रिविजन में सीक्वेंस में करें। आपके साथ कहीं भी जितने भी क्लासेस आपको पढ़ाए जाएंगे, एक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपके हैं और हमेशा भी रहेंगे, जो भी रहेंगे वो एथेंटिक आपको रहेंगे, जो आपको जीवन में काफ़ी कुछ आपको काम आएगा, बहुत सहयोग रहेगा आपका, मतलब वीडियो के माध्यम से। आज के वीडियोज़ में आपको लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आई होगी बहुत सारी बातें, आप लोगों को उद्देशिका याद कर लीजिएगा। और हाँ, जिनको ज़रूरत होगी वो उद्देशिका को कमेंट बॉक्स में बिना पढ़े, मतलब मीन्स बिना देखे अपने याद हो जाएगा, तो अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आगे चल करके हम लोग और भी अच्छा प्रयास करेंगे और बेहतर हो। आगे जो भी अगला जो वीडियो होगा हमारा संग्रह क्षेत्र के बारे में होगा, फिर नागरिकता के बारे में होगा, फिर फंडामेंटल राइट के बारे में होगा, निर्देशक तत्वों के बारे में होगा, ये सब सारी चीज़ें मौलिक कर्तव्य होंगे, सारे सीक्वेंस वीडियो चलेंगे। बस आप लोग साथ देते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।